गाइस वेलकम। देखो आपने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे जो शिनचैन रहता है वो एक बड़े कैमरामैन में अपग्रेड होता है और उसने स्किबिडी टॉयलेट चॉप पे अटैक किया और फिर जो स्किबिडी टॉयलेट थे उन्होंने शिनचैन को तो गिरफ्तार कर लिया और वो मेरे पीछे भी भागने लगे भाई। फिर अपनी जान बचाने के लिए मैं जाता हूँ टीवी मैन के पास और टीवी मैन ने मुझे ही टीवी मैन बना दिया और फिर मैंने आलोक को टीवी मैन बनाया और उसके बाद हम लोग सारे स्किबिडी टॉयलेट को खत्म करने आते हैं और जैसे ही मैं अपना अटैक चॉप के ऊपर करने वाला रहता हूँ तभी शिनचैन आके सब कुछ रोक देता है। और अब आगे तो ठीक है शिनचैन, मुझे लग रहा है कि तू मेरे रास्ते से हटेगा नहीं। हालांकि मैं तुझे एक बात बता दूं कि तू कैमरामैन होने के बावजूद भी एक स्किबिडी टॉयलेट की मदद कर रहा है, ये ऑलरेडी बहुत गलत बात है शिनचैन, तू समझ रहा है? अरे भाई मैं समझते सब कुछ रहा हूँ लेकिन मैंने आपको कहा ना कि चॉप ने मेरी मदद करी है, वो स्किबिडी टॉयलेट बन गया तो क्या हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उन्हें उड़ा दे। देख मैं तो कैमरामैन हूँ, मेरा तो एकमात्र यही काम है कि मैं स्किबिडी टॉयलेट को खत्म कर दूं, लेकिन अगर तू मेरे सामने आएगा तो मुझे ना चाहते हुए भी तुझे उड़ाना पड़ेगा। शिनचैन तू कैमरामैन है, आजा मेरी टीम में। अरे भाई मैं आपकी ही टीम में हूँ, मैं बस आपको ये बोल रहा हूँ कि आप चॉप को छोड़ दो। लगता है अब तू ऐसे नहीं मानेगा शिनचैन, मुझे मेरी पावर का इस्तेमाल करने दे। इन लोगों को अभी टीवी मैन की पावर्स का अंदाजा भी नहीं है, इन्हें पता भी नहीं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इन सब ने जब जब जन्म लिया होगा उससे भी ज्यादा शक्तिशाली मैं हो चुका हूँ। और शिनचैन चॉप तुम लोग समझ जाओ, अभी भी मौका है क्योंकि मैं सबको खत्म करने वाला हूँ। चलो नीचे आ जाओ सारे, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अरे बाप रे बाप भाई, मुझे लगा नहीं था कि हम टीवी मैन पे इतनी शक्तियाँ होती है। अभी तो ये कुछ भी नहीं है आलोक, अभी मैं तुझे और शक्तियाँ दिखाता हूँ। कहाँ गया शिनचैन, गायब हो गया क्या? लगता है ये शिनचैन तो डर के भाग गया। मैं स्किबिडियों को भी भगा देता हूँ यहाँ से। क्यों आलोक देख, अरे आलोक आलोक कहाँ गया? ओए आलोक तू टीवी मैन है, कहाँ चला गया? अरे 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 यार लगता है मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने पे मजबूर कर दिया गया है। शिनचैन तू मुझे और मारेगा तो मैं तुझे हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर दूंगा। लगता है अभी तो आप ही खत्म हो गए हो आलोक चाचा जी। अरे यार शिनचैन तू समझ नहीं रहा है क्यों? अरे अब क्या हुआ, कहाँ भाग रहा है तू? ये देख अभी मैं तुझे बताता हूँ कि तू कितना छोटा है मेरे लिए। टीवी मैन की पावर को हल्के में ले लिया ना तू, अब तुझे पता लगेगा शिनचैन कि तेरा कैमरा जो है वो कितना कम पावरफुल है। ऐसा मत करो मेरे साथ प्लीज आलोक चाचा जी। अरिन भाई मुझे बचाओ प्लीज। मैंने शिनचैन को पहले ही मौका दिया था कि शिनचैन अभी भी समय है, मौका है, टीवी मैन के साथ आ जा, तू एक कैमरा मैन है, स्किबिडियों को नाश कर, लेकिन तूने स्किबिडी टॉयलेट का साथ दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। चल आ जा आलोक, अपन यहाँ से चलते हैं, हमारे लिए ये जगह अब ठीक नहीं है। अभी रुको मैं इस मौसम को भी ठीक करता हूँ, ये मौसम स्किबिडी वाला है। अब इस पूरे शहर से स्किबिडी भी जा चुके हैं और मैं भी टीवी मैन बन चुका हूँ। अब मुझे इंसान फिर से बनने का कोई भी मन नहीं है, मैं टीवी मैन बन के बहुत पावरफुल भी हो चुका हूँ और अब मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, बस एक आलोक है जो कि खुद ही टीवी मैन है। अब मैंने सबको मार दिया, अब ये पूरा शहर स्किबिडी टॉयलेट से फ्री हो चुका है। तो चलो फिर अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टीवी मैन और कैमरा मैन रहेंगे, कोई स्किबिडी स्किबिडी नहीं, तब आराम से यहाँ पे जिएंगे। अरे यार जरा चेक तो कर लो भाई कि ये सब मर गए ना। अरे देखो देखो ये चाप अभी टॉयलेट बन के कितना उड़ रहा था, अब देखो टॉयलेट में फंसा रह गया। चलो चलो मैंने क्रॉस चेक कर लिया, अब मैं चलता हूँ, इस शहर में कोई बचा रही है, अब सिर्फ और सिर्फ टीवी मैन्स बचे होंगे। चलो अब मैं भी, अरे एक मिनट मेरी टीवी को क्या हो गया? अरे यार ये क्या लग रहा है, एकदम अजीब सा दिखाई दे रहा है, मेरी टीवी में कुछ तो वायरस वायरस लग रहा है यार, ये क्या हो रहा है, बाप रे। अरे नहीं 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 ये क्यों हो रहा है भाई? चलो अब ये शहर कितना, अरे एक मिनट ये क्या हो रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा है, कुछ तो अजीब सा हो रहा है मेरे साथ, अरे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, हर जगह एक एक बिजली बिजली सी लग रही है। अरे 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 नहीं 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 क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ओह शिट। अरे भाई एक मिनट ये क्या आ रहा है मेरी तरफ, कौन है ये लोग, आखिर क्या चाहते हैं, ये कहाँ से? ये मेरे साथ क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आर्यन भाई और आलोक चाचा जी ने अच्छा नहीं किया। अब मैं जाकर अपने कैमरामैन दोस्तों से मिलूंगा और मैं उन्हें यही बोलूंगा कि प्लीज मुझे अपग्रेड करो, क्योंकि अब मैं देख लिया हूँ कि आर्यन भाई लोगों के पास बहुत शक्तियाँ है और मुझे तो पता ही नहीं कि चॉप का क्या हुआ। अब चॉप जाए बाहर में, मुझे आर्यन भाई से बदला लेना ही है। और मैं एक बात सबको बता देता हूँ कि हो सकता है टीवी मैन के पास बहुत
कर सकती हो, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ अपने कैमरामैन साइंटिस्ट के पास। अगर वो मुझे अच्छे से अपग्रेड करता है तो मैं आर्यन भाई टीवी मैन बने हो, चाहे आलोक चाचा जी मेरे सामने हो, उन दोनों को धो धो कर मारूंगा। उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो तो अच्छा है कि आलोक चाचा जी ने मुझे निपटाया नहीं, लेकिन मैं उनसे बहुत गुस्सा हूँ। मैं उन्हें अभी बताता हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने साइंटिस्ट के पास। वेट अ मिनट, ये कौन सी जगह है? ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? तुम लोग कौन हो और तुम लोग क्या कर रहे हो? बाप रे, है तो ये लोग भी टीवी मैन, और इनके सर पे चार चार टीवी है, पर ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं? वी आर अपग्रेडिंग यू। है अपग्रेड? पर अपग्रेड क्यों? स्केबिडी टॉयलेट्स तो खत्म हो गए, फिर किस बात का अपग्रेड भाई? यार करेंटली तो इन्होंने भाई पता नहीं स्पीकर ऐड कर रखा है और एक और स्पीकर कर रहे हैं। बाप रे, ये लोग क्या बना देंगे मेरे को भाई? क्या कर रहे हो? कीप क्वाइट, यू विल अंडरस्टैंड। यार अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद मैंने टीवी मैन बन के गलती कर दी। बाकी गाइस, अगर आप भी मुझे सही देखना चाहते हो तो वो सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ यार, पता नहीं ये लोग मुझे कहां ले आए हैं। आप मेरी हेल्प कर सकते हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो। फिर गया उस एक्सपेरिमेंट को होते होते काफी दिन बीत गए, काफी हफ्ते बीत गए, यहाँ तक कि काफी महीने बीत गए, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। पर धीरे धीरे करके वो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है। अरे बाप रे बाप, इतने समय बाद नींद खुली। एक मिनट, अरे नहीं, ये जोर जोर से चिल्ला रहे, बाप रे भाई ये लोग कहाँ से आ गए? नहीं नहीं, गाना बंद करो, गाना बंद करो। अरे रुको रुको भाई, नहीं मेरे पास मत आ, मेरे पास मत आओ। दाप दाप दाप, यस यस। अरे ये लोग तो मर गए थे ना, मुझे भागना पड़ेगा। अरे यार मैं चारों तरफ से घिरा गया और ये लोग अपना गाना भी नहीं रोक रहे। गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ये रहा ये लोग, आ गया मैं आखिरकार। आखिर मेरे बिना ये लोग क्या कर सकते हैं? क्यों छोड़े लोग, कैसे हो? इधर देखो, मेरे दोस्त को छोड़ दो, पहले बता रहा हूँ मैं। आ गया तुम्हारा अल्टीमेट टीवी मैन, देखो वो आ गया। अरे भाई तुम तो भारी अपग्रेड होकर आए हो, बाप रे, एक एक बार में सारे स्किबिडियों का सत्यानाश। भाई मजा आ गया, वाह 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 भाई, तुम्हारे रहते हुए कोई नहीं बचेगा। स्किबिडे। नहीं भाई, पहले भागना था तुम लोगों को, अब यहाँ पे कोई नहीं बच रहा। अरे भाई आर्यन, किसी को छोड़ना नहीं। अरे भाई चिंता क्यों करता है, कोई वैसे भी नहीं बच सकता यहाँ पे। गाइज ये स्किबिडी टॉयलेट की एक बहुत बड़ी वेव आने वाली है, इसीलिए टीवी मैन ने मुझे अपग्रेड किया है। और मुझे लगा था कि ये सारे स्किबिडी खत्म हो गए, इस हिसाब से तो मुझे पता नहीं है कि अभी शिनचान लोग का क्या सीन है। और गाइस मुझे लगा था कि ये जो स्किबिडी टॉयलेट्स है ना, ये मरते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फ्लश होते हैं। तो इस हिसाब से मैंने चॉप को भी सिर्फ और सिर्फ मारा था, मैंने उसे फ्लश नहीं किया था भाई। तो मुझे लग रहा है कि जो स्किबिडी टॉयलेट है ना, अभी तो ये सारे फ्लश हो रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत अपग्रेडेड हूँ। मेरे पास लिटरली टीवी की पावर है, स्पीकर की पावर है, और इसके बाद अगर मैं और अपग्रेड होता हूँ तो भाई मैं अल्टीमेट बन जाऊंगा। अभी ऑलरेडी मेरे पास काफी सारी पावर्स है और मैं एक एक स्किबिडी को चुन चुन के मार रहा हूँ, ताकि इनमें से कोई ना बच पाए। यहाँ देखो स्किबिडी की क्या हालत है, ये ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाला है, क्योंकि सारे स्किबिडियों का सत्यानाश मैं करने वाला हूँ। अरे वाह भाई तुमने क्या मारा भाई, तुम क्या खतरनाक लग रहे हो, बाप रे इतने पावरफुल लग रहे हो भाई कि मैं बता नहीं सकता, अब तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं पाएगा भाई। भाई आलो का भी ध्यान से सुन, देख यहाँ पे सीन ऐसा है कि एक काफी बड़ी स्किबिडी टॉयलेट की वेव आएगी, और अभी तक हमने किसी भी बॉस को आज तक फेस नहीं किया, तू समझ रहा है? तो अभी तो हमारे पास काफी पावर है, क्योंकि ये सब छोटे छोटे स्किबिडी है, मतलब ये ना के बराबर है भाई। लेकिन जो बॉस है ना, जी मैन हो गया और काफी बड़े बड़े पुलिस वाले, काफी सारे बॉस, अगर उनमें से कोई भी आता है तो फिर हमारी पावर्स कम पड़ेगी, ठीक है? अरे तुम चिंता क्यों करते हो, इमेजिन करो अगर मुझे भी अपग्रेड कर दिया जाए तो। भाई देख, तुझे अपग्रेड करना तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तुझे बता रहा हूँ अपग्रेड करने के बाद सब कुछ बदल जाएगा, और अपग्रेड करते वक्त भी काफी दर्द होता है, समझ रहा है? अरे हाँ यार ये बात भी सही बोल रहे हो, लेकिन अब हम टीवी मैन है, हमें दर्द की कोई चिंता नहीं है। अरे हाँ यार सुन, अपने को एक टास्क दिया गया है, हमें वो टास्क करना ही पड़ेगा। जो हमारे टीवी मैन के हेड्स है ना, इन्होंने कहा है कि जो स्किबिडी टॉयलेट्स है ना, उनका जो ठिकाना है वो हमें पता नहीं है, और वो पता करना है अगर, तो हमें किसी ना बेवकूफ टाइप के स्किबिडी को पकड़ना है और उससे ना देखना है कि वो कहाँ जाता है, वो कहाँ रुकता है। और भाई मुझे लगता है बेवकूफ स्किबिडी मतलब चॉप है, हमें कैसे भी करके ना फिगर आउट करना है, क्योंकि चॉप अभी तक तो मरा नहीं होगा, क्योंकि हमने चॉप को फ्लश ही नहीं किया है। अरे इसका मतलब हमें फिर से चॉप को खोजना पड़ेगा यार, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यार। देख मुझे चॉप को खोजना पड़ेगा, लेकिन तू एक काम कर, तू यहाँ पर वेट कर, और अगर तुझे कोई भी स्किबिडी दिखता है ना, तो अगर एक दो हुए तब तो तू इजीली खत्म कर देगा, क्योंकि तू भी तो पावरफुल है, तेरे पास टीवी है। अरे बिल्कुल चिंता मत करो यार, बहुत सारे आते हैं तो मेरे पास पावर्स की कमी होती है, बाकी एक दो तो ठीक है। ऑलराइट फिर मैं चलता हूँ चॉप को खोजने, क्योंकि चॉप अभी जिंदा है, और अगर चॉप जिंदा है तो इसका एक ही मतलब है कि वो कुछ तो कुछ कर रहा होगा, और इसका मतलब भाई मुझे कैसे भी करके चॉप को खोजना ही पड़ेगा। और गाइस इस बार मैं चॉप को सिर्फ और सिर्फ
इसलिए नहीं खोज रहा हूँ कि मैं उसे मार सकूं। इस बार मैं एक्चुअली में उसका पीछा करने वाला हूँ, क्योंकि गाइस मुझे देखना है कि उसके सारे हेडक्वार्टर्स कहाँ है, स्किबिडी टॉयलेट्स जो है वो आखिर में कैसे रहते हैं। और हाँ, अभी जो कैमरामैन है, हो सकता है आगे चल के हमें उनकी हेल्प लगे, तो मैंने शिनचैन से लड़ाई करके काफी बड़ी मुसीबत अपने मोल ले ली है। लेकिन ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं वापस शिनचैन से दोस्ती कर सकूं, ताकि कुछ भी करके कैसे भी हम लोग स्किबिडी से जीत सके, क्योंकि हमारी असली लड़ाई स्किबिडी से है, ना कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, कैमरामैन, स्पीकर मैन, इनसे है। इसलिए मैं फटाफट चल के पहले चॉप को देखता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि मुझे कोई भी टीवी मैन स्किबिडी टॉयलेट कहीं कैसे छुपाता है। अब मैं बहुत ज्यादा अपग्रेड हो चुका हूँ, मुझे इन साइंटिस्ट ने बहुत अपग्रेड कर दिया है। अब मैं जा रहा हूँ उस टीवी मैन से अपना बदला लेने, और मैं आप सबको बता देता हूँ कि जब तक मैं उस टीवी मैन से बदला नहीं लूंगा, मैं वापस नहीं आने वाला हूँ, ठीक है? ओके। आखिरकार आर्यन भाई को पता नहीं है उन्होंने किन से पंगा ले लिया है, और मैं उस फालतू चौप के बच्चे को बचाने वाला था, उसको बचा कर भी कोई मतलब नहीं है। गाइस अब तो बहुत बड़ा युद्ध होगा, क्योंकि आर्यन भाई के पास भी पावर है, मेरे पास भी पावर है, और उस भोंदू चौप का तो कुछ अता पता ही नहीं है। लेकिन आपको किसी एक को चूज करना ही पड़ेगा, या तो आप मेरी तरफ रहो, या फिर आर्यन भाई की तरफ, या फिर चौप की तरफ, लेकिन किसी एक का नाम जरूर कमेंट करो। गाइस आखिर हम लोग भी तो देखे कि आपके हिसाब से कौन सही है और कौन गलत, जल्दी से कमेंट करके बताओ। डुचका जी, हम तुम्हारा भाई है जी, हमको मत काटो जी, अगर तुम हमको काटेगा तो हम भी एक स्किबिडी टॉयलेट बनेंगे जी, चाप हमको मत काटो जी, स्किबिडी स्किबिडी, यस यस, मैं तुम्हें काट के रहूंगा। जी तुम हमको भूल गया जी, हम तुम्हारा सगा भाई है जी, हम बचपन से साथ है जी, तुम्हारा हालत देखो जी, हमको छोड़ दो। डुचका जी, हम थक गया जी, अब हम नहीं भाग पाएगा, चाप हमारा भाई होने के नाते हमको छोड़ देना जी। उसके बदे दब 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 ना ना, मास्टर ने बोला है सबको इसके बदे बनाना है। डुचका डुचका जी, तुम हमको काट काया जी। आज की वीडियो में तो इतना ही था, अगर आप आगे का देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।